ये देखिए, यहाँ मॉर्निंग का टाइम है और ना बस मैं मॉर्निंग में उठते ही ना यहाँ तो गरम पानी नींबू डाल के ले लेती हूँ, या फिर आपका लौकी का जूस ले लेती हूँ, या फिर ज़ीरा का वाटर ले लेती हूँ, ज़ीरा डाल के जो वाटर लेते हैं वो ले लेती हूँ, या फिर आपका कुछ भी, मतलब आप ले सकते हो डिटॉक्स ड्रिंक, कुछ भी ले सकते हैं, वो देख सकते हैं। और यहाँ मैंने ना उसके बाद ये चने जो है वो बॉईल करके रखे हैं, वो सॉरी भिगो के रखे हैं, जो कि मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे बस ये पानी मेरा बॉईल हो रहा है, मैं फ्रिज में से नींबू निकालने जा रही हूँ। कभी कभी जैसे भी मतलब मूड होता है या जैसे भी समझ में आता है वैसे वो कर लेती हूँ, कुछ भी कर सकते हैं आप। आज मैं नींबू का पानी ले रही हूँ, कभी मैं लौकी का जूस ले लेती हूँ, कभी कुछ, मतलब आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। कुछ ना कुछ, डायरेक्ट चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय पी सकते हैं, नहीं भी पी सकते, स्किप कर सकते हैं, मर्जी है। बहुत से लोग बिना चाय के नहीं रह पाते, मैं भी जैसे कि मुझे लगता है थोड़ा एक कप चाय तो ज़रूर पीऊँ, लेकिन कभी कभी मैं स्किप भी कर देती हूँ, और कभी कभी मन ज़्यादा करता है तो पी भी लेती हूँ। यहाँ बस मैंने नींबू का पानी ले लिया है, ये बहुत तेज़ गर्म पानी नहीं है, नॉर्मल है, जितना इजीली आप पी सकते हैं, जितना इजीली आप पी सकें। आप थोड़ा तेज़ गर्म पी सकते हैं तो वैसे पी सकते हैं, मैं इतना गर्म पी लेती हूँ आराम से, बहुत तेज़ गर्म नहीं होता है ये, देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से बस मैं अपना मॉर्निंग की शुरुआत करती हूँ। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बस अभी अभी मैं नहा के आई हूँ और टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, और मेरे को नहाने में ये 1:30 बजता है। कभी कभी जल्दी भी फ्री हो जाती हूँ, रात में अगर एडिटिंग कर देती हूँ आधी तो मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ, और रात में अगर एडिटिंग ना करूँ और सुबह मॉर्निंग में ही करूँ पूरी एडिटिंग तो फिर मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि मैं एडिटिंग करने के बाद, वीडियो सेव करने के बाद, अपलोड करने के बाद ही नहाने जाती हूँ, यही मेरा रूटीन है। और आप लोग सब बताइए कैसे हैं, आई होप वैसे तो सभी अच्छे होंगे, ठीक है। और लास्ट वीडियो देखा या नहीं, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा नाश्ते के लिए मैंने आपको बताया है, और बहुत कॉमन है, मतलब नाश्ता क्या खाना क्या वो दोनों चीज़ है, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। बहुत क्या, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब हर किसी को पसंद आती है, वैसा ही है। और अभी देखती हूँ मुझे क्या करना है, मैंने चने बॉईल करे हैं, उसका देखती हूँ क्या बनाती हूँ, या तो उसको सिंपल फ्राई कर लूँगी या फिर उसकी चाट टाइप से बना लेंगे, है ना। और आटा लगा हुआ रखा है, पराठे या रोटी कुछ भी, रोटी बनाऊँगी, पराठे नहीं, रोज़ पराठे नहीं खा सकती, मुँह से निकल जाते हैं पराठे। बाकी जस्ट अभी अभी नहा के आई हूँ और सारा काम फिनिश हो चुका है, क्लीनिंग हो चुकी है, डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ बिल्कुल हो चुका है क्लियर। और अब धीरे धीरे मैं मतलब पैकिंग, वैसे तो मतलब जैसे कुछ सामान ऐसे रहते हैं ना जो खुद के पर्सनल रहते हैं तो वो खुद ही को पैक करने पड़ते हैं, तो मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे मैं उन्हें पैकिंग करना स्टार्ट करूँ। आज कितनी तारीख हो गई है, आज 9 तारीख हो चुकी है ना, तो धीरे धीरे मैं वही करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अब टाइम जैसे ऐसे निकल रहा है, जाने का टाइम नज़दीक आ रहा है, शिफ्टिंग का टाइम नज़दीक आ रहा है, अभी डेट नहीं पता है कि कब तक हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे, बट हाँ हो सकता है कि इसी महीने कर दें या फिर जनवरी की 1st वीक तक हो जाएगा, वो देखते हैं, वो अभी कुछ फाइनल नहीं है, वो देखना पड़ेगा। और बस ये मेरा डे की ट्राईपॉड बेचारा लेटा हुआ है, मैं ट्राईपॉड से बहुत कम शूट कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ईजी लगता है फटाफट, मुझे ट्राईपॉड में लगाना थोड़ा सा ही लगता है कि कौन लगाए, इसलिए मुझे ईजी लगता है मैं हाथ में पकड़ूँ, आप लोगों से बात कर लूँ। और किचन में मेरा अलग से एक हैंगिंग वाला ट्राईपॉड है, वो मैं लगा देती हूँ, मोस्टली उससे बना लेती हूँ या फिर मैं कहीं रख देती हूँ उससे बना लेती हूँ, तो मेरा ट्राईपॉड में लगाने का काम बच जाता है, क्योंकि उसी में लगा के शूट करने में थोड़ी सी ये लगता है कौन लगाए, ऐसा होता होगा बहुत से लोगों के साथ, या तो कोई आपके पास हो जो शूट कर दे, और या फिर आप इस तरह से मतलब फटाफट से, ईजी वे चाहता है हर इंसान, क्योंकि काम करते में ना जल्दबाजी होती है, बस वही चीज़ है। और देखते हैं, चलिए फिर मिलेंगे थोड़ी देर में आप लोगों से, थोड़ी देर में बात करते हैं क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है, बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। देखती हूँ, अभी ना चाय नाश्ता कर लिया है ना तो अभी फ़िलहाल भूख नहीं है, 2:30 बजे तक भूख लगेगी तब देखते हैं, ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। यहाँ मैं आ गई हूँ अपने चने बॉईल करने के बाद उसको थोड़ा सा मतलब फ्राई करने के लिए आ गई हूँ,
यहाँ बस मैंने ऑयल डाला है, थोड़ा सा उसमें ज़ीरा डाला है और हल्दी डाली है। अब उसके बाद मैं अब मसाले डालूँगी, सिंपल मसाले डाले हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और नमक डाला है और बस, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है। और यकीन मानिए हींग और ज़ीरा डाला था उसमें ऑयल में, यकीन मानिए कि इस तरह से बहुत टेस्टी बनते हैं और आप आराम से खा सकते हैं, रोटी वगैरह के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, या सिंपल आप चाय वगैरह के साथ भी खा सकते हैं और सिंपल भी खा सकते हैं, ऐसे ही काफ़ी अच्छे बनते हैं और इस तरह से बहुत अच्छे लगते हैं। ट्राई कर सकते हैं आप लोग, देख लीजिए। मैंने बस नाश्ते में नहीं खाए थे क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती, मैंने डायरेक्ट खाने में यही खा लिया था। सो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मेरा जो काम होता है वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं ना बस थोड़ा सा वॉक करने जा रही हूँ, दो तीन दिन से जाने लगी हूँ, आजकल इवनिंग के टाइम में थोड़ा सा लंबा राउंड काट के और आ जाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं जा पाती मैं, मॉर्निंग में मुझे काम वगैरह के चक्कर में उठने उठने में लेट हो जाता है, इस चक्कर में मॉर्निंग में वॉक पे नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि सोने में लेट होता है ना तो जल्दी अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाते, तो इसीलिए ना मैं अब शाम के टाइम पे जाने लगी हूँ, लगभग 20-25 मिनट में वापस आ जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा मतलब अकेले नहीं जाया जाता ना, ज़्यादा लंबा कोई साथ में होता तो ज़्यादा लंबा जा सकते हैं, अब मैं किसको ढूंढूँ कि कोई मेरे साथ जाए, इसलिए मैं खुद ही चली जाने मैं जाने लगी हूँ, मतलब दो तीन दिन से जा रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा घूम के आ जाती हूँ तो वॉक हो जाती है इस बहाने, और बाकी थोड़ा सा चलना ज़रूरी भी है पैदल, बाकी आज के टाइम में कहीं पर भी जाना है तो गाड़ी उठाई और चल दूँ या फिर ऑटो रिक्शा से या इस तरह से जाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं वॉक पे जा रही हूँ, आती हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, ठीक है। तो बस जाके आती हूँ फिर बात करती हूँ। वॉक करके आ चुकी थी और उसके बाद मैंने अपना बस किचन का काम निपटाया, बर्तन वगैरह क्लीन करने रहते हैं थोड़े बहुत, तो वो क्लीन किए। उसके बाद मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी, डिनर में मैं बना रही हूँ पुलाव, थोड़ा सा वही पुलाव बनाऊंगी क्योंकि मेरा और कुछ खाने का मन नहीं था, सिंपल इसमें आप वेजिटेबल डाल के बना सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स ले सकते हैं। मैंने गाजर ली है, मटर ली थी, टमाटर लिया था, बस और कुछ नहीं, गाजर मटर टमाटर मैंने यही डाला था, मैंने प्याज वगैरह भी ऐड नहीं की थी। और इस तरह से पुलाव बहुत अच्छा बनता है और पुलाव की रेसिपी भी मैंने शूट की है, बट इस वीडियो में नहीं आएगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो मैं इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, कुछ भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आगे आप म्यूज़िक इन्जॉय कर लीजिए।